और अब बात बेंगलुरु की बारिश की। सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु इन दिनों भारी बारिश का कहर झेल रही है। रिकॉर्ड तौर बारिश से शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरा शहर मानो दरिया में तब्दील हो गया। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जल जमाव को लेकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बेंगलुरु में इस साल हुई रिकॉर्ड बारिश की वजह से पूरा शहर पिछले कई दिनों से पानी पानी हो गया है। सड़कों से लेकर मार्केट, दफ्तर और रिहायशी इलाकों में जगह जगह पानी भरा है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहर में जैसी बारिश इस बार हुई वैसी बारिश पिछले 90 साल में नहीं देखी गई और इस वजह से पूरे शहर की दुर्दशा हो गई। आपको सबसे पहले बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड के हालात दिखाते हैं, जहां पिछले कई दिनों से सड़कों पर पानी भरा है। ये देखने में नदी जैसा दिख रहा है और गाड़ियां यहां पानी में डूबकर गुजर रही हैं। लोग इन्हीं के बीच दफ्तर और घर आने जाने को मजबूर हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से कई आईटी कंपनियों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। ये बेंगलुरु का आउटर रिंग रोड है, या यूं कह लें कि आईटी कॉरिडोर है। आज की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से अभी भी आउटर रिंग रोड के इस जंक्शन पर पानी भरा हुआ है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप एक बड़ा टेक पार्क, इको स्पेस टेक पार्क देख रहे हैं। यहाँ पर इंटेल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ इस पूरे आईटी कॉरिडोर पर है। माराथल्ली से लेकर सरजापुर को जोड़ने वाला ये रास्ता है और इस सड़क पर अभी भी जो है जल जमाव है। हालांकि जब रविवार को यहाँ पर बारिश हुई थी तो 4 से 6 फीट पानी यहाँ पर था, तब हमने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन बेंगलुरु और बेंगलुरु के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बावजूद भारी बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग की चेतावनी थी। लेकिन बावजूद उसके पिछले 2 दिनों में सामान्य बारिश ही हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो पानी है उसका स्तर कम हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए यहाँ पर इस पानी को रास्ते को काट कर वापस बेलंदूर लेक, जहाँ से ये पानी ब्रीच होकर यहाँ तक पहुँचा है, वहाँ पर उसे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस काम में अभी और वक्त लगेगा क्योंकि पानी का जो जमावड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बाइक कर्मी हो या फिर जो दुपहिया वाहन चालक, जो कार चालक हैं, वो कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके में भी हालात बद से बदतर हैं। व्हाइट फील्ड में एक से बढ़कर एक अपार्टमेंट हैं, जिनमें ज्यादातर आईटी फील्ड के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ के अपार्टमेंट पिछले कुछ दिनों से पानी में घिरे हैं। बेसमेंट से लेकर पार्किंग तक जल जमाव है। लोगों को यहाँ से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी लगाना पड़ा है। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके के चन्नासंद्रा मेन रोड पर बना ये यूनाइटेड इलिशियम 2 अपार्टमेंट है। तकरीबन 200 से ज़्यादा फ्लैट्स यहाँ पर हैं इस अपार्टमेंट में और आज इसकी हालत देखिए। कल तक यहाँ पर घुटनों से ऊपर पानी था। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची थी और कई सारे लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि व्हाइटफील्ड इलाके में लाखों करोड़ों रुपए देकर वो अपार्टमेंट खरीदते हैं, अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं और फिर उनको ऐसी हालत में यहाँ पर जीवन बसर करना पड़ता है। कई इलाकों में भारी जलभराव की वजह से लोगों का घरों से ऑफिस के लिए निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अपार्टमेंट और सोसाइटी में पानी भरने से लोग नाराज हैं। उन्होंने सरकार और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी निकालने की गुहार लगाई है। थोड़ा बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल हो या गवर्नमेंट से हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट हेल्प मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी मींस कल था, आज थोड़ा क्लीन हुआ है, वही सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट हेल्प मिलेगा तो अच्छा है। अभी जैसे सिचुएशन है राइट, कि अभी जैसे पानी है, अगर नेक्स्ट टाइम और बारिश होता है तो आई डोंट थिंक वाटर लेवल विल इंक्रीज, तो इस हिसाब से तो बाइक और कार तो नहीं चल सकते, इसीलिए बोट ही खरीदना पड़ेगा। दैट इज व्हाट, जो पानी का लेवल है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से जब हमको सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो बहुत सारे लोग होटल में, कुछ लोग रिलेटिव्स फ्रेंड्स के यहाँ गए हैं, लेकिन कितना दिन रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो ये सब हम लोग को इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, यही एक्सपेक्टेशन हम लोग का गवर्नमेंट का।
बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड और व्हाइट फील्ड के अलावा जिन इलाकों में हालात बदतर हैं, उनमें माराथल्ली, महादेवपुरा, ओएआर, बालगेरे मेन रोड, इको स्पेस के पास ओआरआर बेलंदूर, रेनबो ड्राइव के पास सरजापुर रोड, यमलूर मेन रोड और बोरवेल रोड शामिल है। लोगों की शिकायत है कि जल निकासी की खराब व्यवस्था, प्लानिंग में खामी और बुनियादी ढांचे की कमी ने बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग की परेशानी पैदा कर दी है। जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, पानी ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया है, तो ऐसे कई सारे अपार्टमेंट व्हाइटफील्ड इलाके में जलमग्न हैं। लाखों लाखों रुपए देकर उन्होंने अपार्टमेंट खरीदे हैं, लेकिन अब उन्हें एक तरह से स्विमिंग पूल में जिंदगी बितानी पड़ रही है। महंगी महंगी गाड़ियां पानी में यहां पर डूबी हुई नजर आ रही हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, क्योंकि डर के मारे अपने जीवन रक्षा के लिए लोग इन अपार्टमेंट्स को खाली कर चुके हैं। कई सारे लोग बाहर रिश्तेदारों के घर होटलों में रह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की दुर्दशा इस जल प्रलय ने बेंगलुरु में की है, कम से कम व्हाइटफील्ड इलाके में और पूरे आईटी कॉरिडोर में, ये एक बहुत बड़ा सबक है सिविक अथॉरिटीज़ के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो यहाँ पर बिना जांच पड़ताल किए लाखों करोड़ों रुपए देकर मकान खरीद लेते हैं और जब ऐसी स्थिति आती है तो उनका जीना दूभर हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।